दोस्तों आप सबको पता होगा कि Redmi 10 Prime यहाँ पर इंडिया में लॉन्च हो चुका है 12,499 रुपये की कीमत पर। तो दोस्तों फटाफट से आज हम इसका यहाँ पर करने वाले हैं कैमरा टेस्ट। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अब ये इनिशियल कैमरा टेस्ट होगा। वैसे तो मैंने सब कुछ इसमें डिटेल में बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों सबसे पहले इसके कैमरा की बात यहाँ पर कर लेते हैं। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2-2 मेगापिक्सल के दोस्तों फालतू में मैक्रो और एक डेप्थ सेंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसमें दोस्तों 8 मेगापिक्सल का सेंटर में आपको एक सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर वीक पॉइंट लगा। 13 की होती तो शायद से काफ़ी अच्छा रहता। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें 50 मेगापिक्सल का जो ये कैमरा दिया है, ये है कौन सा सेंसर। बेसिकली दोस्तों मुझे इसमें पता नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं शो किया गया नहीं है कि कौन सा सेंसर है, लेकिन लगता है कि सैमसंग का G W1 वाला सेंसर होगा। इसमें दोस्तों है क्या है कि इसमें जैसे आपको पता है 48 मेगापिक्सल में 12 मेगापिक्सल को उसमें 4 टाइम्स ये यहाँ पर स्प्लिट करके 48 मेगापिक्सल बना देते हैं, वैसे इसमें 12.5 मेगापिक्सल का एक सेंसर को यहाँ पर ये लोग दोस्तों 4 सेंसर में डिवाइड कर देते हैं। बस दोस्तों वही सीन है। और इसमें आप UI तो इसका देख ही सकते हैं कि नॉर्मल जैसे रेडमी के फ़ोन आते हैं वैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको इसके सैंपल्स की ओर ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं डायनामिक रेंज काफ़ी औसम आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों जब आप कुछ और यहाँ पर दूर देखें तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलर देखने को मिल सकता है, ये कई फोटोज़ में आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है क्योंकि काफ़ी दूर है। लेकिन फिर भी दोस्तों डायनामिक रेंज आप देख सकते हैं। मैं आपको 2-4 फोटोज़ यहाँ पर दिखा दूंगा। और दोस्तों आपको पता है यहाँ पर मैं पहाड़ों में रहता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर जो वेदर है वो काफ़ी सही होता है, इसलिए डायनामिक रेंज आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक फ़ोन कैप्चर कर लेता है। अगर दोस्तों आप नीचे जाओगे प्लेन्स एरिया में अगर आप रहते हो तो वहाँ पर आपको पता है कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो डायनामिक रेंज भी उसी हिसाब से यहाँ पर घटती जाती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। बाकी आप देख सकते हैं जो कॉन्ट्रास्ट लेवल वगैरह है वो तो काफ़ी सही है फ़ोन का। और बाकी HDR में भी आप देख सकते हैं, देखो HDR में दोस्तों कुछ नहीं होता, खाली कंट्रास्ट यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ये बाकी फ़ोटो से थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ भाई क्वालिटी आई है, लेकिन ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं है दोस्तों। जो आपका MB है वो उसमें 1-2 MB का फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें इसमें जो आपको डेडिकेटेड 50 मेगापिक्सल का एक ऑप्शन मिल जाती है, उससे नॉर्मल मोड कितना डिफरेंट है, तो इसमें आप देख सकते हैं एक तो दोस्तों जो 50 मेगापिक्सल का जो यहाँ पर एरिया है कवर करने का वो थोड़ा सा ज़्यादा है, आप दोनों ही फोटो में देख सकते हैं। बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है, जैसे 12 और 48 में डिफरेंस था वैसे ही इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आपको बस MB यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम वीडियो सेक्शन की और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये मेन कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, जो जैसे मैंने आपको बताया 12.5 मेगापिक्सल का वैसे आप बोल सकते हैं इसको, एंड ये दोस्तों फुल HD तक यहाँ पर रिकॉर्ड करता है ये फ़ोन। और इसमें दोस्तों आपको 4K की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है, 12,500 रुपये का फ़ोन है फिर भी दोस्तों इसमें 4K की ऑप्शन है नहीं है। चलिए दोस्तों इसमें EIS आपको दिया गया है, स्लो मोशन भी दिया गया है। बाकी दोस्तों आपको मैं यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ 8x तक, और आप यहाँ पर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। मैं कहूँगा ठीक है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन दोस्तों प्राइस भी इस फ़ोन का 12,500 रुपये है, तो उसको दोस्तों आपको यहाँ पर माइंड में रखना होगा, उसी हिसाब से आप यहाँ पर अपनी परचेज कर सकते हो स्मार्टफोन। बाकी दोस्तों अगर बात करें क्वालिटी की, अच्छा दोस्तों उससे पहले दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियो। एंड दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर क्वालिटी की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जूम थोड़ा सा जूम करेंगे 2x तक तो उसमें कोई नॉर्मल आपको परेशानी आने आने वाली है नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें EIS की, यहाँ पर मैं आपको चल के दिखाता हूँ, तो EIS दोस्तों इसमें दिया गया है लेकिन उतना ज़्यादा मैं कहूँगा कि उतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक सा आपको देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। दोस्तों आपको Redmi Note 10 में इससे अच्छा EIS देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों इसमें कलर्स वगैरह की, तो वो तो वीडियो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर निकाल लेती है। तो दोस्तों अगर फ्रंट कैमरे की बात करें जो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का है, तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके की क्वालिटी देखने को मिलेगी। जो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया वीडियो, ये फुल HD में मैंने रिकॉर्ड की है, और आप यहाँ पर स्टेबिलिटी भी इसकी चेक कर सकते हैं। मेरे शर्ट का कलर देखिए भाई, कलर तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि क्लोज टू नेचुरल है, उतने बुरे है नहीं है जितने कि रियलमी के फ़ोन में बुरे निकल कर आते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर एक्सपोजर की एडजस्टमेंट भी काफ़ी सही है। और डायनेमिक रेंज दोस्तों अगर आप बिल्कुल ही साइड में मोड़ देंगे अपने फेस से कैमरा, तो आप देख सकते हैं डायनेमिक रेंज काफ़ी सही यहाँ पर निकल कर आती है।
तो दोस्तों वैसे आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके की डायनेमिक रेंज आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपके ऊपर है ये, आप ऐसे कैसे यहाँ पर इसको यूज़ करते हो। बाकी दोस्तों कैमरा, दोस्तों मैं बोलूँगा 13 मेगापिक्सल का होता तो काफ़ी सही रहता, चलिए 8 का दिया है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर बात करें कुछ सैंपल्स की जो मैंने फ्रंट कैमरा से लिए है, तो इसमें आप देख सकते हैं भाई 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। ज़्यादा आप उम्मीद कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो मैं कहूँगा जो प्रोसेसिंग है कैमरा की वो काफ़ी सही है, आपको कलर्स वगैरह काफ़ी ठीक देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर मैनुअल फोकस करते हो तो आपको बैकग्राउंड में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन वही बात है कि फिर आपके फेस में दोस्तों यहाँ पर वो डिटेलिंग रहती नहीं है। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या पसंद करते हो। HDR मोड में दोस्तों मैंने जैसे कहा था कि आपको कंट्रास्ट यहाँ पर बढ़ा देते हैं, आप देख सकते हैं शर्ट मेरी, मेरी स्किन देख सकते हैं एकदम यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो HDR मोड में यहाँ पर कंट्रास्ट का खेल है, बाकी सस्ते बजट फ़ोन में आपको ज़्यादा यहाँ पर खेल देखने को नहीं मिलता है। बात करें पोर्ट्रेट शॉट की तो मेरे बालों की, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बाकी वैसे एकदम सही है। और जो पोर्ट्रेट मोड है वो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आपको थोड़ा आर्टिफिशियल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 8 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैक कैमरे से जो मैंने यहाँ पर कुछ इससे सैंपल्स दिए हैं और कैसे आए हैं, आप खुद कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। दोस्तों मैक्रो शॉट्स के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो मैं तो कहूँगा आप यूज़ करें ना करें एक ही बात है, लेकिन फिर भी अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो कर सकता है, उसमें ऐसी कोई बात है नहीं है। बाकी दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट में मैंने यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक की है जो मुझे काफ़ी सही लगी है, आप देख सकते हैं इसने काफ़ी सही यहाँ पर एच डिटेक्ट की हुई है। तो बैक कैमरे से आपको काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट यहाँ पर लेने में ये कैमरा मदद करेगा। तो दोस्तों 2x जूम मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ बैक कैमरे से फोटोज़ में कैसे निकल कर आता है, और इसके बाद हम 5x यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो 5x दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वालिटी 5x तक आप बेस्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप जूम करोगे तो भाई फिर वो किसी काम का रहेगा नहीं। इसमें दोस्तों बैक में आपको नाइट मोड प्रोवाइड किया गया है, जबकि अगर आप यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड में नाइट मोड है तो भाई काफ़ी सही काम करता है नाइट मोड रेडमी का, तो इस फ़ोन में भी दोस्तों काफ़ी सही उनने कर रखा है। बाकी दोस्तों फ्रंट में नाइट मोड है नहीं है इसमें। बात करें दोस्तों स्लो मोशन की तो मैंने 240 फ्रेम पर सेकेंड पर ये यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, और सबसे अच्छा दोस्तों मुझे इसका स्लो मोशन लगा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको डिम लाइट या फिर लो लाइट में करोगे शूट तो फिर दोस्तों बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। लेकिन दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक। और दोस्तों बात करें और कुछ इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको पैनोरामा भी देखने को मिल जाता है, और काफ़ी सारे और फीचर्स हैं जो कि रेडमी के फ़ोन्स में आते हैं, उसको हम लेटर ऑन यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तो दोस्तों हम यहाँ पर करने वाले हैं रेडमी नोट 10 एंड रेडमी नोट 10 प्राइम का कैमरा टेस्ट। तो चलिए दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका फोकस टेस्ट। तो चलिए दोस्तों।